वेलकम टू विल्सन एकेडमी आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर फाइव प्रोबेबिलिटी क्लास टेन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्रोबेबिलिटी ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं उनको डाउट्स रहते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वॉट इज़ मीन बाय प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये जो वर्ड है ये आया है प्रोबेबल इस वर्ड से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो प्रोबेबल probable, मे बी इम्पॉसिबल श्योर नियरली फिफ्टी फिफ्टी हम इन वर्ड्स का तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी बात या किसी भी चीज़ की होने की आशंका होती है जब संभावना होती है जब कोई काम होने वाला होता है या जब कोई चीज़ होने वाली होती है लेकिन उसका पूरा एक रिज़ल्ट आने की संभावना नहीं होती है जब कोई भी एक में से दो में से एक या उससे भी ज़्यादा जब चांसेस होते हैं और उसमें से कुछ एक रिज़ल्ट आने की संभावना होती है तब हम उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी कि कितना प्रोबेबल है कि ये रिज़ल्ट आएगा तो कई बार ऐसा होता है कि दो में से एक या उससे ज़्यादा में से कोई एक सोल्यूशन आने का या उसका चांस ज़्यादा होता है कोई भी एक काम होने का जब चांस ज़्यादा होता है तो हम ये बोलते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या कोई एक काम होने का चांस कम होता है कि ये कम हो सकता है और दूसरा वाला ज़्यादा हो सकता है तो हम बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी पॉसिबिलिटी जो है कम है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी जब कोई भी काम होने से पहले उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि उसका रिजल्ट क्या आ सकता है तब जो है तो उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है देखिए यहाँ पे इस पेज पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है क्रिकेट मैच के पहले जो है तो टॉस होता है तो जब भी कोई एक कॉइन उछाला जाता है हवा में और जब वो नीचे आके गिरता है तो उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके जो चांसेस होते हैं दो होते हैं एक तो उसमें हेड आता है या फिर उसमें टेल आता है है ना जिसको काटा छापा बोलते हैं जो बच्चे खेलते हैं तो इसी लैंग्वेज में इसको काटा छापा हेड और टेल ऐसा उसको बोला जाता है तो जब भी कोई कॉइन एक कॉइन टॉस होगा तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ एक तो हेड आएगा या टेल आएगा इसके अलावा कोई और चांस हो ही नहीं सकता ना कि कॉइन गुम हो गया या फिर बोलेंगे कि कॉइन हवा में रह गया तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, है ना तो अगर कॉइन ठीक ठाक हम टॉस करते हैं और वो नीचे गिरता है तो फिर आप कितनी भी बार उसको टॉस कर लो रिज़ल्ट यही आना है एक तो हेड आएगा या टेल आएगा ये दोनों के अलावा कोई और रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता है तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी है जब एक कॉइन टॉस किया जाएगा तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है एक तो हेड आएगा या टेल आएगा अभी देखिए यहाँ पे हम डाई का इस्तेमाल करने वाले हैं डाई सिंगुलर वर्ड है और उसका प्लूरल वर्ड होता है डाइस डाई का मतलब होता है जो एक ब्लॉक सा होता है जब बच्चे खेलते हैं एक तो लूडो खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी वाला एक खेल होता है तो उस खेल में इसका उपयोग होता है छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं है ना तो हर बच्चे ने तो ये खेला ही होगा आपको पता ही होगा तो ये जो डाई है इसके छः बाजू होते हैं है ना जब डाई थ्रो किया जाता है जहाँ पे आप खेल रहे हो जब उसको थ्रो करेंगे तो जो अपर साइड में रिज़ल्ट आएगा अपर साइड का रिज़ल्ट ऊपर की बाजू में जो रिज़ल्ट आता है वही कंसीडर होता है तो जब डाई फेंका जाएगा तो उसमें छह साइड है छह में से कोई भी एक आने का चांस होता है है ना तो इसमें टू हो गया वन हो गया थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इतने डॉट्स लगे होते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक रिज़ल्ट आने का कितना चांस है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है छः में से कोई भी एक आ सकता है एट अ टाइम एक ही रिज़ल्ट आएगा ना तो छः में से एक यह इसकी पॉसिबिलिटी है यह इसकी संभावना है जब भी कोई एक डाई थ्रो होगा ओके नाउ पेज नंबर 114 पे दिया है रैंडम एक्सपेरिमेंट द रैंडम द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टिनिटी एंड देर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि uh, किसी को इसका पता नहीं होगा मतलब कोई हंड्रेड इसको नहीं बोल सकता है कि यही होगा या फिर बोलो कि मैच फिक्स था है ना तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होती एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा कि जिसका रिजल्ट पता हो किसी को पहले से ही uh, जैसे uh, कोई मैच चल रहा है और उसमें ये पता हो कि यही टीम जीतने वाली है तो फिर मैच का कोई फायदा ही नहीं है ना तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें इनमें से पॉसिबिलिटी जो है सैम्पल स्पेस जो होता है उसी में का कोई भी रिजल्ट आ सकता है कोई गारंटी नहीं लेगा कि यही रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट ओके ये आउटकम uh, क्या होता है आउटकम मतलब जब भी uh, जो एक्शन uh, है जो एक्सपेरिमेंट है जो वो कैरी ऑन होता है जो भी इवेंट है जब वो होता है तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसको आउटकम बोलते हैं ओके नाव यहां पे दिया है प्लेइंग कार्ड्स तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में अभी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिटेल में देखेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि सारे आउटकम्स इक्वली आएंगे इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगी और ये जो होता है ना कि अगर समझो किसी ने उस कार्ड को बैंड कर दिया और 52 कार्ड्स खेल रहे हैं तो क्या होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो ऐसे कंडीशंस में कोई प्रोबेबिलिटी कंसीडर नहीं होती है जहाँ पे फिक्सिंग हो रहा है जहाँ पे चीटिंग हो रही है कार्ड्स के साथ या जो भी इवेंट दिया जाएगा उस एक्सपेरिमेंट में अगर कोई भी चीटिंग हो रही है तो वहाँ पर वो कंसिडर नहीं होता है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी जहाँ पर इक्वली जो है चांसेस है और जहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हो रही है तो वहाँ वहीं पे जो है तो प्रोबेबिलिटी हम ठीक से निकाल पाएंगे इसका मतलब यह होता है ओके नाउ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस एट फाइव पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नीचे कुछ कंडीशंस दिए हैं कुछ इवेंट दिए हैं हमें उसमें से देख के बताना है कि पॉसिबिलिटी कितनी है है ना कितना चांस है कितने चांसेस है हमें देख के बताना है उसमें पहला क्वेश्चन है वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन तो कुछ लोकेशंस दिए हैं तो हमको उसमें देख के बताना है जो वनिता जितने साइड जानती है तो उसकी हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है महाराष्ट्र में वो क्या क्या जानती है अजिंता महाबलेश्वर लोनार सरोवर ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अम्बोली रायगढ़ माथेरान आनंदवन है ना तो कितने हो गए देखिए वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पे टोटल कितने हैं एट है है ना मतलब एट साइट्स है जो वनिता जानती है तो इसी में से किसी एक साइट पे वो जाने वाली है तो समर वेकेशन में इसमें से जाने वाली है उसे पता एट साइड उसको पता है आठ साइड उसको पता है तो पॉसिबिलिटी कितनी है यहां पे तो यहाँ पे सिंपली हम बोलेंगे वनिता कैन विजिट एनी एट एट प्लेसेस इन सो शी हैज पॉसिबिलिटीज तो यही इसका आंसर होगा वनिता कैन विजिट एट प्लेसेस इन महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र देयर फोर शी हैज एट पॉसिबिलिटीज है ना हमको पॉसिबिलिटीज फाइंड करने बोला है और यही इसका आंसर होगा कि इस क्वेश्चन में कितने पॉसिबिलिटीज है ट पॉसिबिलिटीज है दैट्स इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये हो गया फर्स्ट वन सेकंड वन है ठीक है सेकंड क्वेश्चन है एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली कोई भी एक डे हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है एक हफ्ते का एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं देखिए आपका आंसर मैंने लिखना है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे तो ये टोटल यहाँ पे सात दिन होते हैं सात दिन होते हैं तो सात पॉसिबिलिटीज है मतलब इन सात दिन में से कोई भी एक डे चुना जाएगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं आपको देर आर सेवन डेज इन अ वीक देर आर सेवन डेज इन अ वीक देर फोर देर आर सेवन पॉसिबिलिटीज देर फोर देर आर सेवन पॉसिबिलिटीज बस यही होगा इसका आंसर बहुत ही छोटे क्वेश्चन है वन वन मार्क के लिए ये क्वेश्चन आते हैं हर एक इवेंट के लिए वन मार्क दिया जाता है यहाँ पे चार इवेंट है तो ये चार मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टोटल कितने दिन होते हैं हफ्ते में सात दिन होते हैं तो एनी डे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी सात में से कोई भी एक दिन चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी सात पॉसिबिलिटीज है ना पॉसिबिलिटी कितनी रहेंगी सात है तो सात पॉसिबिलिटी है जैसे कि हमने एक क्वाइंट टॉस किया था तो उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी है दो पॉसिबिलिटी है ना एक तो हेड आएगा या टेल आएगा वैसे यहाँ पे सात दिन में से कोई भी एक दिन चुनने की पॉसिबिलिटी कितनी है सात पॉसिबिलिटी है इट्स वेरी सिंपल चलिए अगला देखते हैं सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम फिफ्टी टू कार्ड्स फिफ्टी टू देखो यहाँ पे मैं रफ आपको बता रहा हूँ फिफ्टी टू कार्ड्स है फिफ्टी टू कार्ड में से कोई भी एक कार्ड निकालने का कितना पॉसिबिलिटी है तो एक कार्ड निकालेंगे तो एक ही आंसर आएगा किस में से आएगा फिफ्टी टू में से एक आएगा तो पॉसिबिलिटी कितने हो गए पॉसिबिलिटी फिफ्टी टू पॉसिबिलिटी है ना फिफ्टी टू में से कोई भी एक आ सकता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे देर आर फिफ्टी टू कार्ड्स देर आर फिफ्टी टू कार्ड्स आपको ऐसे लिखना है सर देर आर फिफ्टी टू कार्ड्स देर फोर द पॉसिबिलिटीज आर फिफ्टी टू या फिर या फिर ऐसे लिख सकते हैं देर आर फिफ्टी टू कार्ड्स देर फोर देर आर फिफ्टी टू पॉसिबिलिटीज ठीक है पॉसिबिलिटीज there की स्पीलिंग गलत नहीं होनी चाहिए देर आर फिफ्टी टू पॉसिबिलिटीज तो यही होगा हमारा आंसर नेक्स्ट देखिए अगला है वन नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी है मैं यहाँ पे रफ काम इसलिए करता हूं हमेशा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो टेन टू ट्वेंटी तो अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि टेन टू ट्वेंटी मतलब दस नंबर जल्दबाजी में बच्चे ये करते है कि टेन टू ट्वेंटी मतलब दस नंबर है और बच्चे क्या करते हैं दस पॉसिबिलिटी लिख कर आ जाते हैं तो वहां पर गलती होती है देखिए क्या बोला है फ्रॉम टेन बोला है मतलब दस भी उसमें आएगा तो देखिए टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ऐसे देखने में तो ये लग रहा है टेन टू ट्वेंटी में कितने नंबर होते हैं दस नंबर होते हैं दस में दस मिलाएंगे तो ट्वेंटी हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी दस पॉसिबिलिटी होगी बट यहीं पे आपके मार्क्स चले जाते हैं जल्दबाजी के कारण देखिए दस फ्रॉम टेन मतलब टेन भी उसमें काउंट होगा तो ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह टोटल देर आर इलेवन नंबर्स तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे इलेवन नंबर्स है तो इलेवन पॉसिबिलिटीज होंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आंसर लिख देंगे there are 11 numbers there are 11 numbers from 10 to 20 10 to 20 you know? therefore there are 11 possibilities therefore there are 11 possibilities तो अगर 10 नंबर है तो 10 पॉसिबिलिटी अगर 11 नंबर है तो 11 पॉसिबिलिटी तो इतना सिंपल है ये बस ये है कि आपको थोड़ा सा चेक करके लिखना है दिखने के लिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन लगता है ये चार इवेंट दिए हैं इसके अंदर चार मार्क के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन और इसमें इसके जगह पे कुछ और भी अलग अलग कंडीशंस आपको दिए जा सकते हैं बस आपको जो है तो ध्यान से उसे सॉल्व करना है